की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में एक उम्मीदवार लक्षद्वीप से है, बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले लड़ेंगी इलेक्शंस, और वहीं शेतकरी संगठन के लिए एक सीट छोड़ी गई है। एक नजर ऐसी सीटों पर भी डाल लेते हैं जहां से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, एनसीपी ने अपने 12 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। बारामती से सुप्रिया सूले, सतारा से उदय राजन भोसले, रायगढ़ से सुनील तटकरे, सोलापुर से धनंजय माणिक, कल्याण से बाबाजी पाटिल, जलगांव से गुलाब राव देवकर, बुलढाणा से राजेंद्र शिंदे, परवणी राजेश देनेकर। इसी लेटेस्ट अपडेट पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं आप एनसीपी की ये 12 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन इट? देखिए मिश्रा, ये कांग्रेस की पहले सूची के बाद ये एनसीपी की पहली सूची है, और आपको ये जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये सूची उस गठबंधन की सूची है जिसके तहत कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में ये चुनाव में जा रहे हैं। 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें जो एनसीपी की लिस्ट आई है इसमें कई बड़े नाम सामने हैं, जैसे कि सुनील तटकरे, और सबसे बड़ा नाम जो है वो है बारामती से, जो कि शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले लड़ेंगी। लेकिन इसमें एक चीज जो है जिस पर जयंत पाटिल, जो कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलासा नहीं किया है, जो कि एक दिन पहले का डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कि पार्टी के नेता हैं विपक्ष के, उनके बेटे सुजय पाटिल इस समय बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और उनके बीजेपी के दामन थामने की जो वजह बताई गई है वो वजह है पवार, क्योंकि पवार के एक ऐसे वक्तव्य जो कि उनके दादा के नाम पे दिए गए थे जो कारण बना, और उसके कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो अहमदनगर की सीट को लेकर एनसीपी ने अभी कोई अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन ये जो 11 नाम आए हैं महाराष्ट्र से और एक लक्षद्वीप से, ये एनसीपी की पहली सूची है। अगर आप मनीष बता पाए कि शरद पवार ने तो पहले कह दिया था कि वो बहुत इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार वो नहीं लड़ेंगे, उनकी बेटी को उन्होंने मैदान में उतारा है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उनकी पुत्री वैसे भी राजनीति में रही है और वो पहले भी सांसद हैं, और उसके साथ साथ दोबारा उनको टिकट देना, ये तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तो टिकट मिलनी ही थी। लेकिन पवार का चुनाव न लड़ना, इसके पीछे कई वजह हो सकती है, चूंकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन और देश भर में घूम घूम के प्रचार करना एक ही पहली वजह, दूसरा उनकी स्वास्थ्य और उनके बढ़ती उम्र का तकादा भी माना गया है। लेकिन जो राजनीतिक वजह बताई गई है वो यही है कि पवार देश भर में कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे, और इसके साथ साथ पार्टी की मजबूती के लिए महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आना ये पवार के लिए बड़ी चुनौती होगी, और इसी कारण पवार जो है उन्होंने अपना चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। मनीष, इन 12 नामों में से कोई ऐसे नाम जो छूट गए हो इन सीट्स के लिए, जिनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है एनसीपी को आगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे इसमें से एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुनील तटकरे का, उसके बाद है उदयन राजे भोसले, राजेंद्र सिंह ने, ये सब वो एनसीपी के बड़े नाम हैं जो कि इन सीटों के दावेदार थे, और मुझे नहीं लगता कि इनके सामने कोई पार्टी में विरोध रहा हो। और ये जो नाम ऐलान हो रहे हैं इसमें कांग्रेस को भी साथ लिया गया है, कांग्रेस से भी विचार विमर्श के बाद ही, चाहे कांग्रेस के नाम अगर तय हो रहे हों तो एनसीपी से पहले पूछताछ कर उनको अगर इस नाम पर आपत्ति हो, क्योंकि ये गठबंधन का चुनाव लड़ा जा रहा है, और गठबंधन के चुनाव लड़े जाने में साफ तौर पर ये देखा जाता है कि क्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर उस एक चेहरे को जिताने के लिए पूरी कमर कसकर मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसलिए दोनों के बीच के सामंजस्य को बैठाकर ये नाम तय किए जाते हैं। ठीक ठीक मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनसीपी ने 12 मेंबर्स की लिस्ट जारी कर दी है, अब आने वाले वक्त बताएगा कि ये गठबंधन ऑपोजिशन को कितनी टक्कर दे पाता है। यहां रुकेंगे।